गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब लोग ठीक होंगे। हम मैं भी ठीक हूँ, बस आप लोगों की दुआ की वजह से। तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे SSG फैमिली ब्लॉग पे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देरी नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बाबू भी उठ गया है नींद से। गुड मॉर्निंग बोलोगे? हिंदी दे बोल। फ्रेंड्स, अभी मुझे करना है बहुत सारा काम और एक जगह पर भी जाना है। जगह मतलब मेरे जो मासी सासुरी होता है तो उसका ननद का बेटी का घर में जाना है। वहाँ पे पूजा है, 4-5 दिन से हो रहा है। लेकिन बट हम लोगों को बुलाया था लेकिन हम लोग मतलब नहीं जा पाए मेरे हस्बैंड के काम की वजह से। पैसा का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था ही, और मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है और पूजा भी है, हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। तो फिलहाल आज हम जाने वाले हैं वहाँ पे। और मतलब एक तरफ से मतलब जाने का मन भी नहीं है, क्योंकि गाइस जो कि है सोनू है, सोनी है, उन लोगों को कौन देखेगा। तो इसी की वजह से मतलब यहाँ पे जो हम लोग रहते हैं ना, हम और मेरे मतलब हम तीन लोग रहते हैं इस जगह पे। और सोनू और सोनी है, सारा दिन मैं घर पर रही थी। मतलब मायके भी उतने ज़्यादा नहीं जाती हूँ, बस इन लोगों की वजह से। तो ठीक है गाइस, तो मुझे अभी करना है बहुत सारा काम। और मेरे हस्बैंड मुझे बोला है कि तुम सुबह जल्दी उठ जाना, जल्दी उठ के घर का काम दाम जो कि निपटा लेना, उसके बाद चावल भी बैठा देना, क्योंकि जाते जाते थोड़ा लेट भी हो जाएगा। और मतलब मेरे हस्बैंड बोला था कि सुबह उठ जाना, सुबह उठ के खाना वाना बना लेना और घर का काम निपटा लेना। और मैं उठी 8:27 पर, और फिलहाल मुझे अभी जाके ना बहुत ज़्यादा सारा काम करना है, उसके बाद खाना में बैठाना है। और गाइस ऊपर से आप लोगों को पता है जो मेरे यूट्यूब स्टैंड था ना, वो स्टैंड वहाँ पे है ना, तो दिखाई दे रहा होगा, तो स्टैंड है ना उसका अंदर जो नट रहता है जिसमें मोबाइल को कैरी करते हैं, तो उस जगह का एक ये थी ना टूट गया है। तो मेरे हस्बैंड कब से बोल रही हूँ कि लेके जाओ एक नट लगा दो, उसको टाइम ही नहीं मिलता है, फुर्सत ही नहीं मिलता है। छोड़िए गाइस, फिलहाल अभी मुझे करना है घर का सारा काम, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, उसके बाद कल जो पहनी थी ना ये साड़ी है, मतलब ये साड़ी तब लोग दिखा चुकी, नहीं दिखा चुकी जो मैं दूँगी, तो ये मेरे सासू माँ ने दिया था मुझे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ये सूती का साड़ी है, प्योर कॉटन कॉटन बोल रही हूँ, पूरा सूती का साड़ी है और गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगता है पहनने में। तो फिलहाल छोड़िए वो सब बात, फिलहाल अभी मैं जाती हूँ झटपट काम करने, और नहीं तो मेरे हस्बैंड आके चलाने लगेगी, तुम ये नहीं किया वो नहीं किया, दिमाग ख़राब कर देता है। तो गाइस हम लोग झटपट रेडी होके निकल चुके थे, और सोनू और सोनी का लिए जो कि है खाना दे दिया था 2 दिन के लिए। हम लोग 2 दिन वहाँ पे रहे, और भगवान की लाख लाख शुक्रिया कि उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और जो कि है अभी जो कि है गाइस मतलब ऑटो के लिए वेट कर रहा था, तो अभी हम लोग वो ऑटो पे बैठे हैं। तो यहाँ से ऑटो लेना पड़ता है, ऑटो से एक माने 2 ऑटो करना पड़ता है, यहाँ से एक जगह पे उतरना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से और एक जगह पे उतरना पड़ता है। तो यही था आज का मतलब आज का जर्नी। तो अब लोग इंजॉय कीजिए।
हम लोग उतर चुके हैं और मतलब जहाँ पे मतलब गाड़ी रुकती है वहाँ से थोड़ा देर पैदल चलना पड़ता है, तो पैदल ही जा रहे हैं हम लोग। और बहुत ज़्यादा धूप था, छतरी भी ले लिया हम लोगों ने। और जाते जाते मतलब ये तालाब जो है ना, तालाब के बीच एक ताल गाछ ऐसे मतलब हिला है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो कि है इन लोगों का मेन मंदिर है, ये ऊपर का मंदिर है, भोग भी चढ़ाया हुआ है। और आप लोग देख लीजिए, भगवान जी का दर्शन भी हो गया। आके हम लोग पहले हाथ मुँह धो के भगवान जी के पास गए, उसके बाद जो कि है खाना पीना खाने के लिए गए। यहाँ पे जो कि है खाना पीना का सारी व्यवस्था है था, तो चलिए गाइस। एक ये नीचे का मंदिर है और एक मंदिर जो कि है ऊपर में था। और ये है घाट, है पुकुर घाट है। और यहाँ पे हम लोग सब लोग मतलब मिलके गाना गा रहे थे, मतलब अंताक्षरी खेल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों को भी इस राती हो रुक जाओ। यहाँ पे गाइस मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा हस्बैंड कब वीडियो शूट कर रहा था, तो यहाँ पे मैं घूमने के लिए जा रही थी। तो मतलब मेरे एक दीदी भी आ रहा था, तो उसको बुलाने जा रहा था तो नहीं आई। और यहाँ पे जो कि है थोड़ा साइड में जो मतलब जा रहे थे तो तालाब देखा, उसमें जो लोटस हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग मतलब शहर में रहता है ना, गाँव में जाते तालाब और बीच देखने के लिए मिलता है तो बहुत आनंद लगता है। और यहाँ पर सींग मास था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा था, तो वो आप लोग देख ही सकते हो। और ये है फेरी, इसमें मतलब भर भर के मछली आई है और कुछ नहीं, मतलब जहाँ भी आपका जितना दूर तक मतलब नज़र जाए तो उतना दूर तक आपको दिखाई देगा सिर्फ मछली और मछली। यहाँ पे मछली चार्ज होता है, मछली का मतलब इति करता है चार्ज किसी है चार्ज वर्स करता है। और यहाँ पे हम लोग घूमने आए थे तो बहुत अच्छा लगा। और जो कि मछली को खाना भी डाल रहा था उधर। मास्टर गंध छाछे मरे गए कोता है ओ ठीक है नहीं ओखान माज उठे जे मरे गए कोई गो ओई तो माज उठे मरे पूरा हां आए बच्चा मारे सबाई हाथ तोलो तो गाइस फिश का वेरी देखने के बाद उसके बाद हम लोग गए थे वहाँ पर मतलब साइड में सनराइज देखने। तो चलिए गाइस आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे सनराइज़ जो कि है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मुझसे रोका नहीं गया, मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। और यहाँ पे जो कि है मतलब एक तालाब में ना फिश मर के बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, और मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने में, लेकिन सारे मतलब जो भेड़ी है उसमें नहीं था लेकिन इसमें ही था। तो चलो कोई बात नहीं, और हम लोगों को क्या करना है। और ये जो कि है गाइस ताड़ी, जिसको कहते हैं ताड़ी, और बहुत अच्छा लगता है ये। और ये जो कि है सुबह का टाइम, और मतलब हम लोग वहाँ पे रहे हैं, दो दिन बीत चुके हैं तो अभी निकलने के तैयारी में। तो गाइस यहाँ पे जो कि है हम लोग थोड़ा मतलब ठहर गए थे देखने के लिए कि यहाँ पे जो मुर्गी है ना, छोटे छोटे मुर्गी का बच्चा है और उसका माँ भी है, तो उसको कैसे दाना मतलब चुबाना सिखा रहा था, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और यही पेंट करती हूँ मैं मेरे वीडियो को।